वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बचत खाते पर कितनी ब्याज देता है। अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट है कहाँ पर, SBI मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका अकाउंट है, और वो अकाउंट कैसा है, सेविंग अकाउंट है, बचत खाता है, तो बैंक साल के अंत में उसके अकाउंट पर कितनी ब्याज क्रेडिट करेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब भी बैंक ब्याज देती है, बैंक हमारे डिपॉजिट और विड्रॉ अमाउंट पे ब्याज नहीं देती। बैंक जो ब्याज देती है वो देती है हमारे बैलेंस अमाउंट पे। किस पे देती है? बैलेंस अमाउंट पे ब्याज देती है। तो मान लेते हैं एक बंदे ने बैंक में पैसा जमा किया, वो पैसा कितना था, 1,00,000 रुपया। किसी बंदे का बैंक में डिपॉजिट अमाउंट क्या था, 1,00,000 रुपये। ठीक है, अच्छा बचत खाते की जो दर है, SBI के बचत खाते की जो दर है यानी कि ब्याज दर है, वो कितनी है, वो है 2.5% वार्षिक। ये सालाना है, ये इंटरेस्ट रेट है, कैसी है, एनुअल है। अच्छा मान लीजिए 1,00,000 पर 2.5% का आपको ब्याज मिल रहा है, यानी कि 2,500 रुपया हो गया। ठीक है, अप्रोक्स 2,500 रुपया हो गया। लेकिन अगर आप जब अपना 1,00,000 रुपया ब्याज पर चढ़ाते हैं, ठीक है, किसी को ब्याज पर चढ़ा देते हैं, वहां पर आपको 3% की ब्याज मिलती है एक महीने में। ठीक है, लेकिन वहां पर आपका पैसा सेफ नहीं है, यहां पर आपका पैसा सेफ है। ठीक है, ये भी तो है। तो यहां पर तो हम ये सीख रहे हैं ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बचत खाते पर कितनी ब्याज दे रहा है। हमें साहूकार या महाजन की ब्याज नहीं निकालनी, हमें तो निकालनी किसकी ब्याज, बैंक की ब्याज। ठीक है, ये वार्षिक हमारी ब्याज की दर भी हो गई। तो यहां पर हम इसकी ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज कैसे निकालेंगे, अच्छा बैंक जो ब्याज लगाता है वो किस बेस पे लगाता है, बैंक का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है तिमाही। क्या होता है, तिमाही। ठीक है, बैंक ब्याज हमेशा क्वार्टरली लगाता है, ठीक है, तिमाही बेस पे लगाता है। तो यहां पर हम इसकी ब्याज निकाल लेते हैं, और हमारी ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन, जो पैसा हमने बैंक में जमा किया, मूलधन गुणा दर, जिस दर पे बैंक से ब्याज हमको प्राप्त हो रहा है, गुणा समय, कितने समय के लिए हमारा पैसा बैंक में जमा है जिस पैसे पर हमें ब्याज मिल रहा है, और बट्टे 100। अच्छा मूलधन यहां पर क्या है, 1,00,000 रुपया, ये मूलधन है। दर क्या है, 2.5% वार्षिक है, 2.5% ये वार्षिक है, लेकिन बैंक ब्याज कैसे देता है, तिमाही बेस पर देता है। तो यहां पर हमको करना पड़ेगा 3/12। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दशमलव है ना, दशमलव का चिन्ह हटाएंगे, 10 बढ़ा लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए मैंने 10 बढ़ा लिया। ठीक है, अच्छा 3 0 से 3 0 को यहाँ पर हम काट देते हैं, 3 से 1 बार, 3 से 4 बार। ठीक है, अच्छा 4 से 1 बार गया, 4 एकम 4, और 4 से 100 गया कितने बार, 25 बार। ठीक, हमारे पास संख्या बची 25 गुणा 25, 25 का 25 में जब हम गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 625 रुपये। अगर हमारे अकाउंट में 3 महीने तक 1,00,000 रुपये का बैलेंस मेंटेन रहता है, तो 3 महीने के बाद हमारे अकाउंट में 625 रुपये ब्याज के क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन आपको इस बैलेंस से छेड़ाखानी नहीं करनी है, ना ही आप 1,00,000 रुपये में विड्रॉ कर रहे हैं, ना ही इसमें से कुछ पैसे जमा कर रहे हैं। 1,00,000 का 1,00,000 ही रहेगा 3 महीने तक, तब आपको कितनी ब्याज मिलेगी, 625 रुपये। ठीक, अच्छा यहां पर 1,00,000 रुपया अगर हमारा 1 साल तक जमा है तब हमें ब्याज कितनी मिलेगी। यहां पर पता है क्या करते हैं बहुत से लोग, 625 का गुणा कर देंगे 4 से, तो निकाल देते 4 5 20, 4 2 8 9 10, 4 6 24 और 1 25, तो बोलेंगे 2,500 रुपये की ब्याज हो गई 1 साल की 1,00,000 की, जो कि गलत है। अब ये 2,500 रुपये की ब्याज जमा नहीं होगी। ठीक है, यहां पर जो जमा होती है बैंक में ब्याज हमारे अकाउंट में, वो कैसे जमा होती है, तिमाही बेस पर। ठीक है, अब बैंक में हमारा जो पैसा हो गया 3 महीने बाद, वो कितना हो गया, 1,00,000 प्लस ब्याज जुड़ गई 625, तो हमारा बैलेंस क्या हुआ, 1,00,625 रुपये। अब जो ब्याज लगाई जाएगी वो इस वाले अमाउंट पे लगाई जाएगी, ना कि शुरू वाले अमाउंट पे। ठीक है, हमारी जो ब्याज लगेगी वो इस अमाउंट पे लगेगी, तो हमारी जो सालाना ब्याज होगी वो 2,500 नहीं होगी,
उस कंडीशन में हमारी जो सालाना ब्याज होगी वो होगी कंपाउंडली। कैसे? कंपाउंड लगाई जाएगी, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगाई जाएगी, वो होगी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, जो तीन महीने की फ्रेश जो ब्याज मिलेगी वो तो मिलेगी 625, लेकिन जब हम 1,00,000 रुपए को 1 साल तक बैंक में जमा रखते हैं सेविंग अकाउंट में, तब हमारी ब्याज कैसे निकलेगी उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर हम निकाल लेते हैं, इसका निकाला जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। हम निकालेंगे सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन, उस धनराशि को बोलते हैं जिस धनराशि पर ब्याज और मूलधन की राशि जुड़ी हुई होती है। ठीक है, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज की धनराशि इस राशि में जुड़ी हुई होती है, इसको क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1+ दर/100 ब्रैकेट क्लोज और घात में लिख देंगे हम समय। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अच्छा, मूलधन हमारा कितना है? 1,00,000 रुपया, 1,00,000 लिख देंगे। ठीक, 1+ दर, हमारी दर कितनी है? 2.5, 2.5। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सेविंग बैंक अकाउंट जो होल्डर हैं उनको यही रेट से ब्याज प्रोवाइड कराता है, 2.5%। ठीक है, 1 साल की। ठीक, 100, और यहां पर आप लिख लेंगे समय कितना है? 1 साल। ठीक, लेकिन आपको यहां पर ऐसे नहीं लिखना, यह तरीका गलत हो जाएगा। अब आप करेंगे क्या, बस यहां पर आपको समझना है, 1 साल में जब हम 3-3 महीने करते हैं, 1 साल में कितने 3 महीने हो जाते हैं, मतलब 1 साल में कितनी तिमाहियां आती हैं? 1 साल में हमारी 4 तिमाहियां आती हैं। कितने क्वार्टर होते हैं 1 साल में? 4 क्वार्टर होते हैं। तो यहां पर 1 नहीं आएगा टाइम में, यहां पर आएगा 4। ठीक, अच्छा, यहां पर जब रेट होती है, अगर हमें क्वार्टरली इंटरेस्ट निकालनी है, जो हमारी रेट होती है, फिर हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम 4 का डिवाइड लगा के लिखेंगे। यानी कि जो यहां पर लिखने का तरीका होगा 2.5 को, वो ये नहीं होगा, वो क्या होगा? 2.5/4 और अपॉन में 100 तो लगा ही रहेगा। ठीक है, मतलब जो हमारा समय होता है उसमें हम 4 का गुणा कर देते हैं और दर में हम 4 का भाग लगा देते हैं। अगर हमें ब्याज कैसे निकालनी है? क्वार्टरली मीन्स तिमाही। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं, 1,00,000। ठीक, 1+2.5 वैसे ही रहेगा, 4 है ना, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, गुणा 100, 4 से गुणा करा देंगे 100 का और घात लगा देंगे 4 की। ठीक है, 1,00,000। ठीक, ब्रैकेट बनाएंगे तो यहां पर ये वाली धनराशि हो जाती है 1+2.5, यानी कि 2.5, 4 का गुणा 100 में करा दीजिए, 400, ब्रैकेट क्लोज 4। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1,00,000। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है, नीचे अमाउंट क्या है? 400, और ऊपर क्या अमाउंट है? 2.5। बस आपको क्या करना है, जो अमाउंट ऊपर वाली अमाउंट है ना, नीचे वाली अमाउंट में ऊपर वाले अमाउंट को ऐड कर देना है। बस 400 है ना, तो आप ऊपर लिखेंगे 402.5/400, ब्रैकेट क्लोज 4। ठीक है, अच्छा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि 1,00,000 × 402.5/400। मैंने 4 बार क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर जो पावर है वो 4 है। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखिए 20 से 20 कैंसिल करते हैं, इस वाले 20 से इस वाले 20 कैंसिल कर देते हैं, इस वाले 0 से इस वाले 0 को कैंसिल कर देते हैं। तो नीचे वाला जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 4 × 4 = 16। ठीक है, अच्छा, 16 × 4 = 64, 64 × 4 = 256, 256, 1 and 2, 3 0 और लगा देंगे यहां पर हम। ठीक है, और गुणा करा लेते हैं, 402.5 4 बार हम गुणा करा लेते हैं यहां पर, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 26246025
0039 और इस अमाउंट का हम डिवाइड कर देते हैं 256,000 से, डिवाइड कर देते हैं 256,000 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 102,523, 102,523 0.535 रुपए। अच्छा ये क्या आ गया, ये आ गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। अभी हमें ब्याज की धनराशि पता नहीं चली है। अच्छा ब्याज कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए ब्याज आपको निकालने के लिए क्या करना है, इस वाली अमाउंट में से, इसको अमाउंट बोलते हैं ठीक है, और हमारे इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हमारा अमाउंट क्या आया है 102,523.535, इसमें से हम घटा देंगे किसको, प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल हमारा क्या है 1,00,000, घटा दीजिए तो हमारी इंटरेस्ट क्या आएगी, हमारी जो फाइन इंटरेस्ट आ जाएगी वो आएगी 2,523.535 रुपए। ये आ जाती है हमारी इंटरेस्ट एक साल की, जब हमारा 1,00,000 रुपया SBI में, सेविंग बैंक अकाउंट में एक साल तक जमा रहता है, कुछ भी ना पैसा निकाल रहे हैं ना कुछ पैसा जमा कर रहे हैं, 1,00,000 रुपया जैसा है वैसे ही पड़ा रहेगा, तो हमको ब्याज कितनी मिलेगी 2,523.535 रुपए, ठीक है ये हमको ब्याज मिलेगी। अच्छा यहां पर देखिए, अगर आप 4 से गुणा कर देते हैं, यहां पर कितनी आ रही है 2,500 रुपए, और वहां पर कितनी है 2,523, मतलब कि रुपए 50 पैसे ही समझ लीजिए लगभग, तो कितना अंतर है देखिए 23.5 रुपए का लगभग अंतर आ गया। तो यहां पर जो ब्याज लगाई जाती है, जब आपका पैसा एक साल तक है बैंक में, आप कुछ भी पैसा नहीं निकाले, तो ब्याज कैसे लगी, कंपाउंडली ठीक है, चक्रवृद्धि तौर पे लगती है। और यहां पर जब अपनी ब्याज आप निकाल लेते हैं 625 रुपए, फिर से आप अमाउंट क्या रह गया आपका 1,00,000 रुपया रह गया, अब फिर से 1,00,000 रुपए पे ब्याज लगेगी, और सेम ब्याज कितनी जमा होगी 625 रुपए। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय स्टेट बैंक अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को ब्याज किस तरीके से देती है, ठीक।